तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा से मैं भी बहुत अच्छा हूं। नई और एक वीडियो में आप सबको स्वागत है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो नए, उन सबको यही रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। और अभी हम निकल के आए हैं गैरेज से। कल में जो है गैरेज में लगे हुए थे क्योंकि माटघाट का थोड़ा जो है काम था, मतलब माटघाट टेढ़ा हुआ था, तो अभी उसको सीधा उधा करके आए हैं और अभी जा रहे हैं लोडिंग में। और लोडिंग में जा रहे हैं, अभी रुके हुए हैं हैंडीमैन के लिए, क्योंकि हैंडीमैन जो इधर से आने वाला है, इनका घर हैंडीमैन का इधर कहीं अंदर गांव में है। और आप लोग भी बने रहिए वीडियो में और देखते हैं आज लोडिंग हो पाता है कि नहीं। अभी तो सुबह में मैसेज किए थे ऑफिसर को कि सर आज लोडिंग होगा कि नहीं, तो बोले कि आ जाओ देखते हैं। अभी दोस्तों हम लोग जाम में फंसे हुए, कम से कम आधा घंटा एक घंटा हो गया है। और ये भैया को लेने के बाद में अभी निकल के आए थे, एक घंटा से जो है जाम में फंसे हुए हैं। और जाम लगा हुआ है किस चीज़ का मालूम है? NRL का जो है बहुत बड़ा सामान लेके जा रहा है रास्ता से। जो गाड़ी है वो है कम से कम 100 से भी ज़्यादा टायर का है। अभी जो है रास्ता भी छोटा है और उसका वजह से जो है अभी पूरा जाम लगा हुआ है गाड़ी। अभी कितना टाइम लगेगा और देखते हैं। पूरा आगे भी और पीछे भी जो है पूरा गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। अभी देखिए उस गाड़ी के लिए सब रास्ता नया से बना के जाना पड़ा है उन लोगों को। ये देखिए सब बिछाया हुआ है लोहा का प्लेट सब। अभी देखिए दोस्तों ये रुको, अभी पहुंचने वाले हैं। ये देख रहे हैं कितना बड़ा है, इसका वजह से जो है अभी पूरा पेड़ का टहनी वहनी सब काटना पड़ रहा है और काट काट के जो है अभी धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अभी कम से कम एक सप्ताह हो गया इसको 4 से 5 किलोमीटर आने में, और अभी यहाँ से कम से कम और 4 से 5 किलोमीटर है, कम से कम अभी और एक सप्ताह लगने वाला है। देख रहे हैं आप लोग, गिनती कीजिए इसका टायर कितना होगा। बाप रे, आप इसमें ना देखा दिए तो दोस्तों हम बोले थे कि आज में साहब लोड हो जाएगा, ऑफिसर बुलाए हैं, लेकिन सुबह से आके जो है रुके हुए थे, लोड हुआ नहीं है। दिन भर पार करके हो गया है शाम और अभी टाइम होने वाला है 5, तब से हम लोग जो है गाड़ी को साइड में लगा के खड़े थे। ये देखिए रास्ता के साइड में जो है लगा के खड़े थे क्योंकि जो है पार्किंग का अंदर में जगह नहीं था। अभी जो है पार्किंग का अंदर में जगह हुआ है तो अभी जा रहे हैं अंदर में घुसाने के लिए। 5 बज गया मतलब रिलायंस का जो है लोड नहीं होगा 5 बजने के बाद में। रिलायंस का लोड होता है आपका 2 बजे या तो 3 बजे तक लास्ट टाइम रहता है, उसका बाद में जो है लोड नहीं होता है। ऑफिसर बोले हैं कि कल के लिए इंतज़ार करो, देखते हैं कल अगर लोड हो जाएगा तो सही है। तो चलिए अभी चलते हैं पार्किंग में।